थांब. अरे तुला हे होत नाहीये का? काय झालं काय मग? अरे थांब एक मिनिट. अरे अरे लेफ्टला हे झाली रे अख्खी गाडी, वजन लेफ्टला गेलं. अचानक से गाड़ी लेफ्ट में पूरी आने लगी, इसीलिए हम लोगों ने मतलब आई एम रियली ग्लैड कंट्रोल हुई और इसीलिए रोकना पड़ा. आई डोंट नो व्हाट. अभी यहाँ पे तो कोई पंक्चर का दुकान है, पंक्चर किट है मेरे पास. एक्चुअली सो ग्लैड दैट आई हैव दिस. मतलब मैंने रिसेंटली ऑर्डर किया था, रिसेंटली, पता नहीं था कि ऐसा भी इस्तेमाल होने वाला है. 4.5 पे आ गया है प्रेशर और इसका रिकमेंडेड प्रेशर है 36. सो आई थिंक आई विल जस्ट सेट दिस टू 36 राइट नाउ. सेट करके I'm just gonna turn this on. And this should stop automatically. There we are. Yeah. Good. It works good now. सेट किया है, जस्ट होप इट वर्क्स गुड नाउ. बट गाइस 11:50 इन द मॉर्निंग वी हैव रीच्ड आवर लोकेशन फाइनलाइज्ड बाय प्रसाद भगत. भगत एक नंबर लोकेशन है, ब्यूटीफुल. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू डे 3. टाइम हो गया 1:18. 1 बजे हम लोग रिजॉर्ट से निकले थे पुणे के लिए. फिर से कंटिन्यू ड्राइव होने वाला है 750 किलोमीटर्स का. आई डोंट थिंक मैं ज़्यादा व्लॉग करने वाला हूँ क्योंकि आते समय पूरा रोड मैंने दिखा दिया था. हाँ, इनकेस अगर हमने दूसरा कोई रोड लिया, दूसरा रूट लिया, आई थिंक वी विल ट्राई टू गो वाया अमरावती दिस टाइम, क्योंकि रोड बहुत ही अच्छा और सुंदर है. नहीं तो ऐसा पॉट होल वाला रोड मिलेगा. सो लेट्स सी, आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली. गो किलर सर रिकॉर्डिंग का. ऑलराइट गाइस, माय वर्स्ट नाइटमेयर स्टार्टेड अगेन. ये रोड एंड रिगार्डिंग द टायर अपडेट, टायर इज परफॉर्मिंग गुड. अब तक तो कुछ टेंशन नहीं है, टच वुड ऐसा ही रहे. मुझे अब तक पता नहीं है कि क्या हुआ था उस दिन, हवा चला गया था, क्योंकि हमने फिर से सब चेक किया, वाल्व चेक किया था, हमने कुछ खिला बिना कुछ गुस्सा है कि वो चेक किया था, पानी मार के चेक किया टायर, बट कहीं से भी एयर लीकेज नहीं है. आई जस्ट होप इट स्टेज दिस वे. उसके बाद टायर ने एक्चुअली बहुत कुछ सहा है, खराब रोड, बट टच वुड इट्स गुड. सो यस, आई थिंक कितने किलोमीटर है दादा? Guys, we have just crossed
करंजा अराउंड हमने 250 किलोमीटर कवर कर लिया है, टोटल 750 किलोमीटर का जर्नी है और अभी रोड अच्छा है, सिंगल लेन हाईवे ही है बट इट्स रियली नाइस, खराब नहीं है। माय वर्स्ट नाइटमेयर हैज पास्ड, इट हैज गॉन। ओके, सनसेट भी होने को आया है अभी और आई डोंट थिंक रात को मैं ज्यादा कवर कर पाऊंगा क्योंकि गोप्रो का रात का फुटेज यू ऑल नो। वो नहीं एक्साइटेड, जान दे भाई तेरी लाल, मतलब तेरी गाड़ी लाल। आई नीड अ ब्रेक नाउ, मैं तो थक गया। As you can see, ढाबे पे रुके, थोड़ा चाय वाय पियेंगे यहाँ पे, फिर कंटिन्यू करेंगे। Alright guys, डेढ़ बज गए हैं और हम एक्चुअली इसके पहले भी एक जगह पे रुके थे और मैंने सो लिया थोड़ा सा, बहुत थक गया था और बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, सो टू बी ऑन द सेफ साइड मैंने सो लिया। और मैं इतना टाइम सोया कि वो एक डेढ़ घंटा सोया तकरीबन, मैं पौने एक घंटा तो सोया, वो ढाबा बंद हो गया इसलिए हम लोग अभी यहाँ पे आए, यहाँ पे चाय वाय पियेंगे और फिर आगे निकल जाएंगे। फाइनली वी ऑलरेडी क्रॉस्ड औरंगाबाद लॉन्ग टाइम अगो, अभी हमने रंजनगांव क्रॉस कर लिया है, अब आई थिंक कोरेगांव भीमा, उसके बाद भागोली और फिर पुणे। मैं फुल ऑन ऑटो पायलट पे हूँ, बस घर पहुँचना है, थक गया हूँ मैं तो, थक गया तो कह रहे गुट थम। राइट, आई विल अपडेट यू नाउ वंस आई एम होम क्योंकि आई एम ट्राइंग टू फोकस कॉन्सेंट्रेट ऑन द रोड। ओके गाइस, 7:30 इन द मॉर्निंग सक्सेसफुली रीच पुणे। Right guys, I am home. I think I'll end this ride over here. Journey काफ़ी अच्छा रहा, गाड़ी ने कुछ प्रॉब्लम नहीं दिया, वो टायर भी एकदम ओके था। उसके बाद से आई डोंट नो उसे मतलब क्या हुआ था, तब क्यों हवा गया था, मैं फिर एक बार वही कह रहा हूँ, बट इट्स ओके, आई एम होम नाउ एंड येस आई थिंक आई एंड दिस वीडियो नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यहाँ पे यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक बटन दबा देना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर व्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड यू गाइज टेक केयर, आई लव यू।